कैलिट्स ट्राइंगल मैंने तुम लोगों को बता ही दिया है, बाउंड्रीज एंड कंटेंट्स एंड द पर्पस इज फॉर पॉलीसिस्टेक्टोमी, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑल ब्लैडर इज कॉल्ड पॉलीसिस्टेक्टोमी। फिर ये बताया था कि पोस्ट पॉलीसिस्टेक्टोमी इस बात का ध्यान देना होता है कि एसेसरी बिलियरी डक्ट्स होती जो कि गॉल ब्लैडर को गॉल ब्लैडर फोसा में बांधे रखती है, देयर इज सम माइन्यूट कैनालिकुलर कम्युनिकेशन बिटवीन द गॉल ब्लैडर एंड द राइट ऑफ द लिवर इटसेल्फ। इवन आई टोल्ड यू द वेनस ड्रेनेज समटाइम्स फ्रॉम द एंट्रोसुपीस ऑफ द सरफेस ऑफ द गॉल ब्लैडर डायरेक्टली ड्रेन्स इनटू द लिवर। वो कम्युनिकेशंस की वजह से जब हम पॉलीसिस्टेक्टोमी करते हैं देयर इज ड्रिबलिंग एंड ओजिंग ऑफ द बाइल इनटू दैट स्पेस फोसा फॉर द जीबी। तो पोस्ट ऑपरेटिवली हमको वहां पे ड्रेन डालनी पड़ती है, ड्रेन लगा के छोड़ देनी पड़ती है आउटसाइड टू द बॉडी सो दैट फॉर अ फ्यू डेज वॉट एवर बाइल लूजेस आउट दैट कैन बी ड्रेन आउटसाइड, ठीक है, अंदर रहेगा तो इट माइट बिकम अ कॉज ऑफ इन्फेक्शन, तो इसलिए ड्रेनेज के लिए बाहर लगा देते हैं। क्रिएटर और बायोसिस होती है तो जो भी कैनालिकुलर ओपनिंग्स होती है जहाँ से बाइल यूज हो रहा है वो सब फील अप हो जाते हैं।